लक्ष्मी स्वरूप उस कन्या ने दूसरी तरफ मुख करके जो है वो आगे की तरफ बढ़ने सार थोड़ा ठंडा ही रहा। फिर हमारा आने के बाद बाबा जी हमें साथ दिया, नगरवासी हमें साथ दिया। फिर आगे चल रहे हैं, गाड़ी चल रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, भक्त आ रहे, सेवा कर रहे और निर्माण कर रहे हैं। अभी जाते हैं वहीं पर अदृश्य रूप में भगवान विष्णु चतुर्भुजी रूप धारण करके उस कन्या के सामने प्रकट होते हैं और कन्या भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालती है और वहीं पर भगवान विष्णु लक्ष्मी को लेकर के वहीं से अदृश्य होकर के वैकुंठ लोक चले जाते हैं। बोलो महापति महादेव की। ऐसे आते आते मेरे को भावना लग गया, राम का मंदिर अयोध्या अयोध्या तक धरना दिया लेकिन राम का मंदिर नहीं बन पाया। फिर हमने सोचे यहाँ का गांव नगरवासी को तंग करके यहाँ राम का मंदिर यहाँ स्थापित करेंगे और रामेश्वर का गंगा जल, वहाँ का कुएं का पानी, वहाँ का कार्यकर, वहाँ का पंडितों को यहाँ लाके भोजन पाजन करके यहाँ प्रतिष्ठा किया राम का हमने मंदिर। मतलब सारी ये हमीरपुर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारी भक्तों के पास एक एक पैसा जोड़ के ये मतलब रामेश्वर धाम बनाया। अवतार लेकर के आए और माता सीता को लेकर के जो है अब माता सती के मन में जब शंका उत्पन्न हुई है तो शंका के निवारण हेतु माता सती मन ही मन सोच दिया, भोलेनाथ आप चाहे जो मर्जी कहते रहिए, मैं भी अपनी शंका का निवारण करके ही दम लूंगी। बोलो मापति महादेव की। अब शंका का निवारण जो है वो किस तरह होगा तो मन में जो है वो बना सोच विचार कर लेती है माता सती की। अब मैं
भगवान का आनंद करते हैं। जिनकी कृपा से आज हमें परमेश्वर भगवान से आशीष की कृपा जो है वो अपन पार है। और जो जीव भगवान से आशीष का संग खत्म हो जाता है उस जीव को भगवान से आशीष जो है संसार और बीजे के संसार से उसे पार लगाते हैं। और ये कृपा से जो ये क्या चल रहा से जो है प्रारंभ हुआ था आज 22 नवंबर को जो है भगवान से राशि संत कृपा से आज पूर्ण होने जा रहा है। और परमपिता परमेश्वर भगवान श्री हरि की कृपा से ज्ञान यज्ञ के साथ साथ देवी यज्ञ और अन्य यज्ञ के द्वारा पूर्ण होगा। तो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री आशीष जो सदैव मंगलों को करने वाले हैं मंगली प्रदान करने वाले हैं तो जब हम श्रद्धा प्रेम पूर्वक जो है इस कथा का जो है वो श्रवण करता है मन करता है और इसका आचरण करता है उस कर्म के द्वारा तुम इस नारद पद तक पहुंचे हो सकता है कि तुम्हारा इस पद से जो है वो पतन हो जाता। और ऐसा कोई भी माता पिता या ऐसा कोई इष्ट नहीं कि जो अपने भक्त का अहित होता हुआ देख सके। बोलो उमापति महादेव की। अब इतना जान करके भगवान विष्णु जी के चरणों में नमन किए हुए नारद जी जो है अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए भूल का पश्चाताप करते हैं और कहते हैं महाराज आपको ये जो मैंने श्राप दिया इसके साथ ही बिहार में जो पूजा स्थल है लगभग 40 साल पहले स्वामी रामदेव जी ने अपनी आस्था के लिए अपने विश्राम के लिए इसको चुना था। तब से यहाँ ये पूजा स्थल जो है वो लगातार विकसित हो रहा है। स्वामी रामदेव जी के देहावसान के बाद रामदास जी के यहाँ काफ़ी भक्तगण आते रहे और पिछले 10-12 वर्षों से स्वामी कालिदास जी यहाँ की देख रेख कर रहे हैं और उनके तत्वावधान में और उनकी सेवा भावना में और लोगों के सहयोग से ये एक बहुत बढ़िया जो है वो पूजा स्थल विकसित हो चुका है जिसमें हिमाचली शैली है उसके साथ साथ दक्षिण भारतीय शैली के भी मंदिर इस परिसर में स्थापित हो चुके हैं। आसपास के इलाके के लिए इस किस्म का पूजा स्थल होना जो है वो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। मैं स्वामी जी के साथ साथ स्थानीय निवासियों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस किस्म का पूजा स्थल है वो हमारे नज़दीक हमारी सुख समृद्धि और शांति के लिए स्थापित किया गया है। जय लेकिन जो सबसे सही मां
Yeah, I don't know.